सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट टेक मुकेश चैनल को और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वेलकम टू बैक माय स्मार्ट टेक मुकेश चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप बात करने जा रहे हैं कि ए टू जेड स्क्रीन रिकॉर्डर, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरी जानकारी के साथ हम इस चैनल पे बताएंगे ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप। तो कृपया करके प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि जो जानकारी आपको समझ में लग सके। और जो चैनल पे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही टेक्निकल की वीडियोज़ आप तक मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि आप सबको पता है, आप छोटे यूट्यूबर हो चाहे बड़े, सभी यूट्यूबर्स को ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो मोबाइल में यूज़ कर रहा हो चाहे पीसी में। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो ऐप है, ये सभी को इस्तेमाल करना होता है ताकि जो हमारे हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मोबाइल की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है या पीसी की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, उसके माध्यम से हम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। तो ये सभी को ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है और कौन सा ऐप यूज़ करना है, मैं उसके बारे में भी जानकारी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ए टू जेड स्क्रीन रिकॉर्डर। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐप आ जाते हैं, ये देखिए। तो इसमें से आपको कोई इस्तेमाल नहीं करना है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो थर्ड वाला देख रहे हैं आप ए टू जेड रिकॉर्डर, ये बहुत ही बेस्ट है। इसकी जो क्वालिटी है, सारी सिस्टम जो है इसका, इसकी रेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसकी रेटिंग चेक कराता हूँ, 4.6 पॉइंट मिले हैं, 1 मिलियन जो रिव्यूज़ हुए हैं, मतलब लोगों ने चेक किए हैं, और 50 से प्लस मिलियन डाउनलोड हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं इस ऐप के बारे में, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो इसको अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड ज़रूर कर ले और इसी से ही अपनी जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग या पीसी में आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसका भी ऐप, ये वाला ए टू जेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है मिल जाएगा आपको गूगल पे। तो जैसे कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी डाउनलोड जल्दी से कर लें। और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली जो मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप भी डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या करना है, हमें ओपन कर लेना है। तो आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारी आपकी वीडियो जो है सेव हो जाएगी। उसके बाद ये 3 डॉट्स पे आपको जाना है, एक सेकंड, सेटिंग में हमको जाना है। सेटिंग में आप अपने साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितना रखना है, फुल HD रखना है, नॉर्मल रखना है, मीडियम रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 1280x720 साइज कर रखा है। ये ऑटो फ्रेम ऑटोमेटिक मैंने किया हुआ है और ये सब ऑटो ही करना होता है। टाइम जो है डिसेबल मैंने कर रखा है। रिकॉर्डिंग ऑडियो, मतलब कि जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें वॉइस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर अगर चाहिए तो ऑन कर दें, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिस्टम दिए हुए हैं, आप देख के उस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है पूरी जानकारी जो है समझ में लग गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें।